वेलकम फ्रेंड द क्वेश्चन इज ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव इन कंडक्टिंग मीडिया दैट प्लेन वेव कैन नॉट प्रोपेगेट विदाउट ऑल्सो एक्सप्लेन स्किन पहले हमने क्या मालूम किया था वी हैव ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडिया फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग मीडिया करंट डेंसिटी जे इक्वल टू जीरो लिया था मैक्सवेल के रिलेशन में और इक्वेशन डेराइव किए थे लेकिन इधर क्या होगा कंडक्टिंग मीडिया में जे डज नॉट इक्वल टू जीरो बट रो इक्वल टू जीरो वाई चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू जीरो बिकॉज चार्ज देर इज नो चार्ज इन साइड द कंडक्टर इफ यू प्लेस ए चार्ज इट विल बी कम एट द सर्फेस ओके सो इन साइड चार्ज डेंसिटी इक्वल टू जीरो But current density does not equal to 0. So, current density can be represented by J equal to conductivity into electric field and B equal to mu into H. Now, let us start Maxwell relation delta dot E equal to rho or delta dot D equal to rho. Okay. But here rho equal to 0. So, delta dot E equal to 0. Delta dot B divergence of B equal to 0. Equation number B.

डेल बाय डेल्टी सो so, बी की वैल्यू कौन सी है इधर इधर भी कर लिया ना कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ ई कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ ई तो माइनस डेल बाय डेल्टी तो यहाँ भी कर लेना पड़ेगा ओके okay? ये इधर है तो हमने इंटरचेंज कर दिया ओके? यू कैन इंटरचेंज द स्पेस ऑपरेटर इन टाइम डेरिवेटिव ओके सो कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ ई इक्वल टू ये बाहर निकाला माइनस कर्ल ऑफ बी ये कर्ल ऑफ बी इधर लगा दिया क्लियर ना वॉट इज कर्लऑफ करल ऑफ ई इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जन माइनस लापलाशन ऑफ बी बट डेल्टा डॉट ई इक्वल टू जीरो फॉर कंड मीडिया माइनस लाप्लाशन ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल्टी ओके म्यू सिगमा एप्सुल्लस म्यू एप्सुलेली बाय डेल्टी ये सारा का सारा रिलेशन है ये कौन सा वाला है कर्लॉक बी का रिलेशन ये कर्लॉक बी वाला ये कर लो बी की सारी के सारी वैल्यू हमने यहां लगा दी चलो तो फिर क्या हुआ ये तो जीरो हो गया टर्म ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सो लाप्लासन ऑफ ई इक्वल टू म्यू सिग्मा बाय प्लस म्यू सी डे बाय सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाप्लासन ऑफ बी म्यू सिग्मा डेल बी बाई डेल्टी प्लस म्यू एप्सिलोन डे बाय स्क्ल्टी स्क्वेयर इक्वेशन नंबर बी सो ऑल दिस इक्वेशन थ्री इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव इन कंडक्टिव मीडिया है ओके तो इसका कोई सोल्यूशन तो होगा आपको मालूम है हमने पहले जो लोर एन गेस्ट कंडीशन अभी पढ़ी थी तो लाप्लाशन ऑफ वेक्टर ए डेल ए बाय डेल्टी म्यू एप्सिलोन डेल स्क्ल्टी स्क्वे फॉलोज द सेम इक्वेशन फॉलोज द सेम रिलेशन आए थे इसी प्रकार के इक्वेशन यहां हमने डिराइव कहे डिराइव करे वहां हमने डायरेक्टली लिख दिया था एक्सप्लेनेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये हमने डिराइव किया सो दिस आर दिस सोलूशन ई इक्वल टू ई जीरो आई की आर माइनस ओमेगाटी इसका ये सोल्यूशन है इस तरह से ये इक्वेशन का ये सोल्यूशन है बी इक्वल टू बी जीरो आई की आर माइनस ओमेगाटी वन डायमेंशन में क्या है ई टू आई इंस्टेड ऑफ आर एक्स लिखना पड़ेगा ओके टू टू इक्स माइनसा टी वन डायमेंशन में हम ऐसा भी लिख सकते हैं नाउ व्हाट वी विल डू हियर वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ देखो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए एक तो एक बार स्पेस डेरिवेटिव करो दूसरी बार भी स्पेस डेरिवेटिव करो इस इक्वेशन का हमें इस इक्वेशन का दो बार लाप्लासन लाप ऑफ डेल्टा ई लेंगे बाद में डेल लेंगे दो बार करेंगे स्पेस के प्रति विकलन बाद में हमें डेली बाय डेल्टी चाहिए क्यों डेली बाय डेल्टी चाहिए यहाँ ओके बाद में क्या है दूसरी बार डेल स्क्वेयर बाय डेल्टी स्क्वेयर चाहिए दूसरी बार उसका समय के प्रति विकलन करेंगे इट विल बी डिफरेंस एट सेकंड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओके सो लेट स्टार्ट ओके वी विल नीड बाहर निकलेंगे सो आई इंटू के एप्सिलीरो मिलेगा देखो यहाँ आई इंटू के मिल गया चलो वेरी गुड अगेन उसका डिफ्रेंसिएशन करो दूसरी बार स्पेस के प्रति अगेन आई इंटू के बाहर निकलेगा चलो डेली बाय डेल्टी डेली बाय डेल्टी ओके सो माइनस आई इंटू ओमेगा बाहर निकलेगा माइनस आई इंटू ओमेगा जीरो आई के आर माइनस ओमेगा अगेन ओके स आई इंटू ओमेगा इंटू ऐसा मिलेगा हमको ओके okay? ये मिला दूसरी बार आप करो तो माइनस आई इंटू ओमेगा इंटू माइनस आई इंटू ओमेगा तो माइनस माइनस प्लस ओके और आई इक्वल टू माइनस वन ये मैंने लिखा है आई इंटू ओमेगा आई इंटूमेगा नोट आई इंटू ओमेगा माइनस आई इंटू ओमेगा माइनस आई ये दो बार बार निकलेगा इस तरह से माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ई मिला चलो ये सभी वैल्यू ये वाली और ये वाली और ये वाली हम किसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे ये जो इक्वेशन है ना ये इक्वेशन ये सभी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड में इक्वेशन में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे ओके okay. सो so, लाप्लासन ऑफ ई की वैल्यू कितनी है लापलासन ऑफ इ की वैल्यू माइनस के स्क्वेरी सो माइनस के स्क्वेरी इक्वल टू फिर हमें जो भी आई म्यू सिग्मा ओमेगा इन टू ओके okay. म्यू एप्सिलोन ओमेगा स्क्वायर इन टू जो भी मिला हमको इसके वैल्यू हमने डाल दी फिर वापस क्या कर दी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इधर माइनस माइनस प्लस सभी जगह क्या, क्या क्या कर दिया हमने प्लस प्लस कर दिया और भी ध्यान रखा हमने क्या ध्यान रखा ई कॉमन है ई कॉमन है ई कॉमन है ये हमने कैंसिल कर दिए दैट मीन्स वी है वैल्यू ऑफ के स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलोन ओमेगा स्क्वायर प्लस आई म्यू सिग्मा ओमेगा ये हमको के स्क्वायर की वैल्यू मिली लेकिन हमें मालूम है जहां i होता है किसी भी की वैल्यू के साथ वो कॉम्प्लेक्स होता है दिस वन इज द रियल वैल्यू दिस वन इज द इमेजनरी वैल्यू सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर के इट इज इज क्लियर दैट k हैविंग ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सो वेव वेक्टर k इज कॉम्प्लेक्स अल्फा प्लस आई बीटा दिस वन इज ए रियल पार्ट दिस वन इज ए इमेजनरी पार्ट सो अगेन स्क्यर करो के स्क्र इक्वल टू अल्फा स्क्वेर आई इंटू आई माइनस बीटा स्क्तर ओके ये सारा का सारा है ना इसका स्क्वायर कर दो इसका सारा का सारा राइट स्क्वायर का भी स्क्वेयर कर दो प्लस आई ट्वाइस अल्फा बीटा अब हम क्या करेंगे ये वाला के स्क्वायर की और ये वाला के स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग इक्वल करेंगे क्यों रियल टू रियल एंड इमेंडरी टू इमेंडरी आई के साथ आई वाले

इसकी वैल्यू डाल दो अल्फा स्क्स बीटा स्क्वेर वाली ये यहाँ डाल दी ये स्क्वेयर तो है ही उसका बाद में स्क्र कर दो दोनों साइड में फोर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट मीनस ये सारा जो है वैल्यू उसका भी हम स्क्र कर देंगे चलो ले लिया अब हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है दो, दोनों इक्वेशन को ये इक्वेशन को ऐड कर दो तो बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हमारे पास ट्वाइस अल्फा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ दिस दिस प्लस म्यू सिग्मा ओमेगा होल स्क्वायर यहाँ भी स्क्वेयर है याद रखना ये हमको वैल्यूज मिली इन दिस सिंप्लीफाइड ये चीज कॉमन लिया यहाँ से तो हमको ये मिली ओके अगेन अल्फा स्क्वेयर की वैल्यू हमें ये मिली ये स्टेप बाय स्टेप ओके ये वैल्यू मिली हमें अल्फा स्क्वेयर नहीं चाहिए अल्फा चाहिए फिर इसका क्या करना पड़ेगा हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो हमने स्क्वेयर रूट लिया इस तरह से हमको अल्फा की वैल्यू मिली सिमिलरली यू कैन राइट सेम द वैल्यू बीटा बट इंस्टेड ऑफ प्लस वन ईयर यू शुड राइट माइनस वन क्लियर तो ये क्वेश्चन टेन और इलेवन हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू देते हैं अगेन वट इज दिस प्लेस अल्फा प्लस आई बीटा इन सोल्यूशन फोर सी एंड फोर डी फोर सी और फोर सी फोर डी क्या है ये वाला है ओके के इजक्वल टू आल्फा प्लस आई बीटा इसमें डाल दो ओके okay? तो यहां डाल दिया ई इज ए फंक्शन ऑफ अब हम एक परिमाण में चर्चा करेंगे

इधर वाली, इधर वाली मत आई इन टू आई इक्वल टू आई स्क्र आई स्क्वल टू माइनस वन सो माइनस बीटा एक्स अगेन माइनस ना, इसलिए माइनस आई ओमेगा इस तरह से सिंप्लीफाई हम ऐसे करते हैं देखो ई इज ए टाइम स्पेस एंड टाइम ई जेरोस बीटा एक्स है आई बीटा एक्स सॉरी बीटा एक्स ओनली एक्स यहां लगाया ये रियल वैल्यू है E to I, alpha x minus omega t. आप देख लो अभी हमको ईक्वल टू ई जीरो आई के एक्स माइनस ओमेगा मिला ये और भी ज्यादा टर्म मिला लेकिन ये ज्यादा नहीं है ओके ये माइनस साइन है आप देख लो वेन द टाइम पास इज एम्पलीटूड ई जीरो विल बी डिक्रीज इथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्म ई रेस्टू आई बीटा एक्स वाला ये एम्पलीट्यूड घटाने वाला टर्म है एटेन्यूशन वाला टर्म बोलेंगे हमको ई जीरो का एम्पलीट्यूड सो अगेन बी भी हम इस तरह से लिख सकते हैं नाउ व्हाट इज ई रेस्ट माइनस बीटा एक्स सो द रिड्यूस एम्पलीट्यूड ऑफ वेव विथ प्रोपेगेशन इज कॉल्ड एटेनशन और एब्सॉर्बन तो यहाँ वेव जैसे आगे बढ़ता है तो पहले इसका एम्प्लीट्यूड ई जीरो था लेकिन जब जैसे ही टाइम पास होता है तो इसका एम्पलीट्यूड किस तरह से डिक्रीज होता है वो e हो, तो कम होता जा रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम इसको एटेन्यूएशन बोलेंगे या मटेरियल में उसका एप्सन हुआ शोषण हुआ ये हम बोल देंगे नाउ डेल्टा इक्वल टू वन अपॉन बीटा बीटा की जगह वन ओपॉइंट डेल्टा ओके सो सपोज ये वाली वैल्यू है तो बीटा बाय बीटा होगा तो ई टू माइनस एक्स होगा तो बीटा बी जीरो बाय ई आएगा, क्या होगा बी जीरोड बास डेल्टा इक्वल टू वन ओपॉइंट बीटा द डिस्टेंस एम्पलीट्यूड डिक्रीज एट दिस डिस्टेंस आई मीन वन ओपॉइंट बी डिस्टेंस एम्पलीट्यूड एट दिस डिस्टेंस डेल्टा इक्वल टू वन अपॉइंट बी डिस्टेंसिट्यूडेक्ट टू सरफेस वैल्यू सरफेस वैल्यू पर एम्पलीट्यूड कितना था? था. लेकिन बीटा इक्वल टू वन अपॉन बीटा और इक्वल टू वन अपॉन डेल्टा हमने लगाया ओके okay? सो so, ये वाला क्या हो गया इ रेस्टू माइनस एक्स तो डिनोमीटर में आ गया तो ई बाय बाई हुआ तो एम्पलीट्यूड कितना डिक्रीज हुआ अपॉन टाइम्स डिक्रीज हुआ कौन सा डिस्टेंस पर हुआ वो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे ये यहां है ना ये ये डिस्टेंस वाले ये भी एक्स है ये डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है तो कितने डिस्टेंस पर हुआ डेल्टा इक्वल टू वन अपॉन बी बीटा डेल्टा डिस्टेंस पर क्या हुआ एम्पलीट्यूड डिक्रीज वन अपॉन ई टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस वैल्यू इट इज कॉल्ड स्किन डेप्थ

यहाँ E0 था सपाटी पर सरफेस पर बट इट इज इट विरोन डेपीन डेप बोलेंगे सो फॉर गुड कंडक्टर द फ्रीक्वेंसी इज नॉट हाई सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सुलंटू मू एफन इंटू ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन वन इट कैन बी वन कैन बी निग्लेक्ट इधर हमको जो मिला है टर्म ये वाली वैल्यू एक से बहुत ज्यादा है तो वन और वन ये सभी यहाँ भी हम कर करते हैं है हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली बीटा इक्वल टू अल्फा होता है इधर बिकॉज ये निगलेक्ट हो गया ये निगलेक्ट हो गया इसलिए क्लियर सो दिस टर्म विज फ्रॉम दिस इक्वेशन तो यहाँ ओमेगा बीटा इक्वल टू आल्फा ही बोलेंगे हम लोग तो ये बीटा यह क्या है एटोनियन की वैल्यू है अल्फा और ऑल्सो एटोनियन और एब्सोर्सन की वैल्यू है वॉट इज एब्सोर्पन वट इज एटनशन बीटा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू परमिबिलिटी ओमेगा फ्रिक्वेंसी सिग्मा कंडक्टिविटी टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस ओके इसको हम क्या बोलेंगे एटान्युएशन बोलेंगे और एब्सोर्शन बोलेंगे विद इन द कंडक्टर नाउ व्हाट इज द वैल्यू स्कीम डेप इट इज इनवर्स ऑफ बीटा है. Delta equal to twice mu omega sigma. इसकी वैल्यू हमको दी है तो हम लोग इसका न्यूमरिकल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कीप यून योर माइंड स्किन डेप्थ की वैल्यू कितनी वैल्यू पर एप्लीट्यूड वन ओपन ई टाइम्स होगा तो ये वैल्यू पर एम्पलीटूड है इनिशियल एम्पलीट्यूड से वन ओपन ई टाइम होगा सपोज कोई भी वाटर है दरिया का पानी सी वाटर ओके इसमें सेटेलाइट से हम क्या करेंगे सेटेलाइट से हम कम्युनिकेशन करेंगे सबमरीन है पानी के नीचे है पानी के नीचे है तो कम्युनिकेशन में ये जो स्किन डेप्थ है पहले सरफेस पर क्या है ई जीरो है हमारा कम्युनिकेशन वेव का एम्पलीट्यूड स्किन डेप्थ वाली जो डेप्थ आएगी ओके वहां एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा डिक्रीज होएगा, ई जीरो डिवाइडेड बाय ई होगा सो इन दिस कम्युनिकेशन में एक प्रकार से डिस्टर्बेंस है लाता है सो so कम्युनिकेशन करने के लिए सब का कम्युनिकेशन करने के लिए हमें यह भी स्किन डेप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे पास क्लियर होना चाहिए थैंक यू वेरी मच